और वहीं पे अब बुजी ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था जिनके कॉर्पस का यूज करते हुए उसने वहाँ पर कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स को अवेक कर लिया और वो उनकी मदद से अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि वो गॉब्लिन मॉन्स्टर अपनी ही लैंग्वेज में कुछ कह के उन सारे के सारे छोटे गॉब्लिन्स को कमांड कर रहा होता है कि अब इसके ऊपर जाके जो है अटैक करो। बुजिन भी उसको वहाँ पर देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि डेफिनेटली इसके साथ डील करना जो है मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन ये गॉब्लिन पूरी की पूरी गॉब्लिन यूनिट को कमांड करने के लिए काफी ज्यादा कैपेबल है, तो मुझे इससे बच के रहना होगा। हमारा हीरो भी अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे सारे के सारे गॉब्लिन्स भी उसको देखकर अब उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब वो अटैक करते हैं तो हमारे हीरो के बाकी सारे स्केलेटन सोल्जर्स उनके उस अटैक को वहाँ पर डिपेंड कर लेते हैं एंड हमारा हीरो अपनी स्पीड का यूज करते हुए वहाँ पर काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और एक जंप लगाता है। हमें दिखाया जाता है कि वुजिन ने वहाँ पर काफी ऊंची जंप लगाकर सीधे उस हॉबगॉब्लिन के ऊपर पहुंच चुका होता है एंड वो हॉबगॉब्लिन भी उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि इतनी जल्दी मेरे ऊपर कैसे पहुंच सकता है। लेकिन जब वो इस बात को देख लेता है तो वो अपने उस अटैक को तैयार करने लगता है और अपनी स्टिक के अंदर बाघ को रिलीज करता है, जिसे हमारा हीरो बुजिन भी वहाँ पर देख लेता है और वो कहने लगता है कि मुझे इस तरह के लीडर से काफी ज्यादा नफरत है और वो अपने उस स्पेयर को नीचे आते हुए उस हॉबगॉब्लिन के सिर के आर पार धंसा देता है, जिससे कि वो हॉबगॉब्लिन वहाँ पर सडनली ही मर जाता है। बुजिन वहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मुझे कुछ हर्ट कर भी सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि उस हॉबगॉब्लिन की स्टिक वहाँ पर नीचे गिर चुकी होती है। हमारे हीरो को उसी टाइम पे एक अलर्ट नोटिस आता है जिसमें उसे लेवल अप का नोटिफिकेशन दिया जाता है और बताया जा रहा होता है कि आप यहाँ पर लेवल 6 पे जो है अवेक हो चुके हैं, मतलब कि अपग्रेड हो चुके हैं। इसको देखकर बुजिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी पावर भी अब लिटरली काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और वो अब उस पावर को देखकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी तरह मुझे आगे काम करते हुए अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी पार्टी की भी जरूरत होने वाली है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स यहाँ पे काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है एक बंदे का हाथ जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा कराते हुए सफर कर रहा होता है और वो बुजिन के जस्ट पास से पड़ा होता है। बुजिन भी उसको वहाँ पर नोटिस कर लेता है। हमें दिखाया जाता है ये वही बंदा होता है जिसे फर्स्ट बार में उस हॉबगॉब्लिन ने अटैक करके डैमेज कर दिया था। बाकी सारे पार्टी मेंबर्स उसको छोड़कर वहाँ पर भाग गए थे। वो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर जो है बच गए हो क्या, प्लीज प्लीज मुझे जो यहाँ पर बचा लो। बुजिन भी उसको वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान रहता है क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ पर सारे लोग या तो जा चुके होंगे या फिर मर चुके होंगे। तो बुजिन अब उसके पास में आकर बैठ जाता है और उसको कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर जो बचा लो तो तुम यहाँ पर मेरे लिए जो है क्या कर सकते हो। तो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जो है कुछ भी कहने की हालत में नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर। इसकी बात को सुनकर बुजिन गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि क्या कहा तुमने अभी। अब वो बंदा वहाँ पर एकदम चुप हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये बंदा मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये डी रैंक का अवेकनर है। तभी इसने वहाँ पर उस बड़े से हॉबगॉब्लिन को काफी आसानी से मार दिया जो कि 2-स्टार लेवल का था। हमें दिखाया जाता है उसकी बात को सुनकर बुजिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे इस तरह की शिट से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बंदा जो है काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि उसने बुजिन की असली पावर को वहाँ पर देख लिया था। वो वहाँ पर घबराते हुए कहने लगता है कि ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए जो है यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। इसकी बात को सुनकर बुजिन वहाँ पर सोचने लगता है कि फिलहाल मैं अब इससे यहाँ पर जो है क्या करूँ और वो उसकी तरफ बिक्री का साइन बनाते हुए इशारा करने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि इसके लिए इतना काफी होगा। दरअसल वो उससे 2 मिलियन वॉन की रिक्वेस्ट कर रहा था जो कि उसे उसके फ्रेंड को देना था, जिसको देखकर वो बंदा जो सामने उसके सामने पड़ा होता है वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो कहने लगता है कि ये मुझे विक्ट्री का साइन को दिखा रहा है। सीन को वहीं पे शिफ्ट करते हैं, हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा वहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को जो कि मर चुके थे उनकी बॉडी के अंदर से अब सोल स्टोन्स को निकाल कर अपने पास कलेक्ट कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है फाइनली ये सब खत्म हो चुका है, मैंने सारे सोल स्टोन्स को यहाँ पर अपने पास इकट्ठा कर लिया है। वहीं पे वो जिनको दिखाया जाता है जो कि उसको देखकर कहने लगता है कि क्या तुमने वहाँ पर सब कुछ खत्म कर लिया। इसकी बात को सुनकर वो लड़का कहने लगता है कि हाँ यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वो अब काफी हैरान होते हुए बुजिन को वहाँ पर देखने लगता है और कहने लगता है इस बंदे का रैंक आखिर एप कैसे हो सकता है क्योंकि इसके पास तो ऐसी कई सारी पावर्स है जो कि किसी के पास नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसको यहाँ पर देखा है कि इस बंदे ने 2-स्टार मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए हंट कर दिया। मुझे तो लगता है कि इसको यहाँ पर एक डी रैंक का अवेकनर होना चाहिए था। और वो उस टाइम को भी वहाँ पर नोटिस कर रहा होता है जब बुजिन ने अपनी स्केलेटन समन स्किल का यूज करते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर्स के अंदर उनके सोल स्टोन्स को और उनकी ट्रू लोकेशन को फाउंड कर लिया था, जिसके बाद ही वो लड़का सभी की सभी बॉडीज के अंदर से सोल स्टोन्स को कलेक्ट करना चालू किया। वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है उस टाइम के सीन को जब बुजिन ने उस लड़के को बचाने के लिए एक गॉब्लिन की बॉडी से एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हुए उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, जिससे कि उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर होना चालू हो चुकी थी। क्योंकि हमारे हीरो के पास एक ऐसी पावर भी थी जिसका यूज करते हुए वो किसी भी मॉन्स्टर्स की एनर्जी का यूज करते हुए अपने आप को या फिर अपने साथ में किसी भी पार्टनर को पूरी तरह से रिकवर कर सकता है। उस टाइम पे भी वो बंदा सोच
सोचने लगता है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर इतनी ज्यादा स्किल को रखता है, तो इसे यहाँ पर मिनिमम सी रैंक का अवेगनर तो होना ही चाहिए। और वो ऐसे ही कहते हमारे हीरो वो जिनको वहाँ पर घूर रहा होता है, और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा अनबिलीवेबल स्किल्स को कैसे रख सकता है। इस बंदे ने यहाँ पर 3 घंटे के अंदर जो भी किया वो एक न्यू अवेगनर के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अब वो बंदा अपने पूरे की पूरे बैग को वो जिन को वहाँ पर सौंप देता है और कहने लगता है कि इसके अंदर मिनिमम 800 ब्लड स्टोन मतलब कि सोल स्टोन तो होंगे ही होंगे। लेकिन उस टाइम पे वो जिन वहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब कि सारे के सारे ब्लड स्टोन मेरे है ना। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं इसे यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ तो फिलहाल मेरे पास 1,00,000 पाउंड तो काफी आसानी से आ जाएंगे, ये मेरे लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं था। और वो उस लड़की को धमकाते हुए कहने लगता है कि ये सब के सब मेरा है ना। इसकी बात को सुनकर वो लड़का वहाँ पर डर जाता है और कहने लगता है कि ऑफ कोर्स ये सब तुम्हारा ही है। वो बंदा वहाँ पर काफी घबराते हुए अब सोचने लगता है कि इस बंदे ने जब मुझे वहाँ पर बचाते हुए बात करी थी तो उस टाइम पर मैं इसकी बात को बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता कि ये बंदा पैसों के लिए कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है। और उस टाइम पे हमारे हीरो ने उससे 2,000,000 वॉन लेने के बदले ही उसकी जान बचाने का वादा किया था, पर उस बंदे ने उस टाइम पे इस बात को काफी आसानी से हाँ कर दिया था, क्योंकि फिलहाल किसी की जान बचाने के लिए 2,000,000 वॉन इतने भी ज्यादा बड़े बात नहीं होती। वही पे हमें सीन को शिफ्ट करते हुए अब काफी ज्यादा रास्तों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हमारा हीरो मतलब कि वुजिन वहाँ पर रिटर्न स्टोन को फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इस डंजन से अब बाहर निकल सके, और कुछ देर बाद उसे वो मिल भी जाता है। अब वो दोनों वहाँ पर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर उसी टाइम पे वुजिन को वहाँ पर एक अलर्ट मैसेज आता है जो किसी उसी को दिखाई दे रहा था, और उसे वहाँ पर बताया जा रहा होता है कि आपके करीब यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड स्टोन को डिटेक्ट किया गया है। इसको देखकर वुजिन वहाँ पर अलर्ट हो जाता है क्योंकि आसपास या तो मॉन्स्टर हो सकते हैं या फिर ऐसे लोग जो कि उनकी पार्टी के मेंबर्स हो सकते हैं जो कि उनको छोड़कर वहाँ पर भाग गए थे। हमें दिखाया जाता है वो पीछे वाला लड़का जो कि वुजिन के साथ में था, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वुजिन वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और वो ऊपर की तरफ स्टेयर्स को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि हमने तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मार दिया था, तो आखिरकार मुझे यहाँ पर इस तरह से क्यों फीलिंग आ रही है कि मेरे आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं या फिर बहुत सारे ब्लड स्टोन। अब वुजिन वहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हे तुम सारे के सारे चूहे यहाँ पर छुप के क्या कर रहे हो, चलो अब यहाँ से जो है बाहर आ जाओ और अपने आप को हाइड करना यहाँ पर बंद कर, मैंने तुम्हें यहाँ पर काफी आसानी से देख लिया है ऑलरेडी। जिसको देखकर और सारे के सारे लोग बाहर निकलना चालू कर देते हैं जो उसी के पार्टी की मेंबर्स थे। जिनमें से एक लड़की कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है, क्या तुम लोग भी वहाँ से जो है भाग कर आ गए। इसकी बात को सुनकर वुजिन काफी ज्यादा हैरान होता है, पर वो उसके साथ वाले बंदे को कहने लगता है कि ये लोग यहाँ पर हमारे ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इनसे जो है काफी ज्यादा अलर्ट रहना। इसकी बात को सुनकर सामने वाला लड़का जो कि उसके साथ था वो काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो कहने लगता है कि अब हम यहाँ पर जो है क्या करें, क्योंकि हमें यहाँ पर इन लोगों से बच के रहना होगा। की बात को सुनकर वुजिन अब कहने लगता है और सोचने लगता है कि चलो ठीक है अब यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसका जो लीडर है वो उनके बीच में खड़ा होता है, वो वहाँ पर आगे आते हुए काफी डरते हुए वुजिन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वुजिन वहाँ पर कहने लगता है कि हे यू गाइस आखिरकार तुम लोगों को वहाँ पर से डर के भागने की क्या जरूरत थी, अगर तुम यहाँ पर जो है इस तरह से अपेयर हो सकते थे तो तुम वहाँ पर वापस भी तो आ सकते थे हम लोगों को बचाने के लिए। पर वहीं पे वो लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन वुजिन अब वहाँ पे काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलने लगता है कि तुमने यहाँ पर हम लोगों को एक बैरियर की तरह यूज करा है ना, ताकि तुम हम लोगों से बाकी सारे ब्लड स्टोन को छीन कर वहाँ पर बाहर निकल सको, आखिरकार तुम यहाँ पर इन रास्तों पर किस तरह से छुप सकते हो। इसकी बात को सुनकर उनका लीडर वहाँ पर कहने लगता है और हंस के कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस तरह से जो क्यों बात कर रहे हो, हम सब यहाँ पर एक सेम टीम में ही है, तो हमें यहाँ पर आपस में लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं, हम बस यहाँ पर उस डंजन को क्लियर करने के लिए वापस पीछे आ ही रहे थे, लेकिन हमने जब वहाँ पर खतरे को देखा तो हम उस टाइम पे रिट्रीट कर गए, एंड अगर हम यहाँ पे वापस आ भी गए तो हमें लगता है कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स अब यहाँ पर मर चुके होंगे। और वो ऐसा कहते ही वुजिन के कंधे पर टंगा हुआ उस बैग को देख लेता है एंड उसकी नियत वहाँ पर काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है, और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुमने ये सब कैसे किया। वुजिन भी उसके इरादों को वहाँ पर भाप लेता है और वो कहने लगता है कि तुम जो भी बुलशिट कर रहे हो मैं वो काफी अच्छे से समझ रहा हूँ, मेरे साथ खेलने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर। और वो अपने कंधे से उस बैग को उठाते हुए कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर रिटर्न स्टोन चाहिए तो तुम मुझसे वो रिटर्न स्टोन वापस ले सकते हो, लेकिन इस डंजन को क्लियर करने वाला मैं तुम नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ रिटर्न स्टोन दे सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास जो भी है उनमें तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं होगा। पर ऐसे ही कहते हमारा हीरो सारे के सारे स्टोन को वहाँ पर जमीन पर पटक देता है ताकि वो लोग उनके अंदर से कोई भी एक स्टोन का यूज करते हुए अब रिटर्न कर सके और उस डंजन को वहाँ पर लीव कर सके। लेकिन उसकी सैक को देखकर काफी ज्यादा लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। वो सिर्फ अपने मर्डरर्स ऑरा का यूज करते हुए और पर काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट को बाहर निकाल रहा होता है, और वो कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर जो है वापस जाना चाहते हो तो इन सब चीजों को उठाने की हिम्मत करो। लेकिन जो सामने वाला कैरेक्टर जो कि इनका लीडर था वो वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें
यहाँ पर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं इस तरह का किसी भी तरह का स्टूपिड एक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हमें यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए। पर उसकी बात को सुनकर बुजुर्ग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बंदा उससे कहने लगता है कि हमें यहाँ पर तुम माफ कर देना, लेकिन हम यहाँ से बस बाहर निकलना चाहते हैं। वही पे बुजुर्ग सोचने लगता है कि जितना कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि ऐसे सिचुएशन में लोग अक्सर यहाँ पर काफी ज्यादा लालची हो जाते हैं और वो किसी की लाइफ को लेने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी झिझकता नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा शायद ना हो। वो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि हमें बस यहाँ से बाहर जाने के लिए रिटर्न स्टोन चाहिए, उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। और ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने यहाँ पर इस डंजन को काफी अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम यहाँ पर काफी आसानी से इस जियोंगचोल कॉर्पस स्टेशन से अब काफी आसानी से लीव कर पाए, तो इन सब चीजों के लिए तुम्हारा काफी ज्यादा थैंक यू। वुजिन वहाँ पर उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वहीं पे वो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी जो सेंसिटिव हो जाऊँ तो मैं भी काफी आसानी से उस मॉन्स्टर को वहाँ पर मार सकता। अब वुजिन उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ये बंदा ऐसा नहीं है जैसा कि मैं उसको यहाँ पर सोच रहा था। और वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है जितनी किसको होना चाहिए थी, क्योंकि मैंने अल्फा प्लैनेट के ऊपर लगभग 20 साल गुजारे हैं, तो मेरा बिहेवियर कुछ ऐसा ही हो गया। पर वही हमें दिखाया जाता है कि वुजिन के चेहरे के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है। लेकिन वुजिन वहाँ पर कहने लगता है कि भले ही मैं यहाँ पर अल्फा प्लैनेट के अंदर नहीं, लेकिन सिचुएशन अर्थ के ऊपर भी लगभग वैसी ही हो चुकी है। अब वुजिन के ऊपर वहाँ पर अटैक हो चुका होता है एंड एक बंदे ने अपने एरो को लोड करते हुए उसके पार्टनर को भी वहाँ पर अटैक कर दिया होता है, जिसका एरो जाकर उसकी चेस्ट के अंदर लग जाता है और उससे भी वहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। वुजिन भी अब वहाँ पर उस लीडर को देख रहा होता है एंड काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने इंटेंट को बाहर निकाल रहा होता है। अब वो बंदा जो कि उस पार्टी का लीडर था काफी ज्यादा हंसते हुए वहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे अगेंस्ट में आ सकते हो। सारे के सारे अवेकनर्स यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद से आते हैं और वो ऐसे ही कहते हैं हमारे वुजिन के ऊपर अपने इंटेंट को रिलीज करते हुए अटैक कर देता है और लिटरली वो उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और यही पे एपिसोड नंबर 7 पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाता है। यही पे एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है उस डंजन से काफी सारे लोग अब बाहर निकलने लग गए। वहीं पे एक लड़की भी खड़ी होती है जो कि बाहर निकलने वाले लड़कों से पूछने लगती है कि क्या तुमने वो सब खत्म कर दिया। इसकी बात को सुनकर वो लोग वहाँ पर कहने लगते हैं कि टीम लीडर हमने यहाँ पर काफी अच्छा किया। उसी टाइम पे उस लड़की का वहाँ पर फोन बजने लगता है जो कि उसकी कॉर्पोरेशन का था। पर वो जब वहाँ पर फोन उठाती है तो उसे दूसरी तरफ से एक बंदा कहने लगता है कि टीम लीडर हमने उस बंदे को फाउंड कर लिया जो कि उस टाइम पे उस डंजन के अंदर एंटर किया था जो कि वहाँ पर अबेंडेंट रख दी गई थी। उसका नाम यहाँ पर कांग वुजिन है। वो लड़की वहाँ पर बोलने लगती है आखिरकार ये बंदा यहाँ पर है कौन। लेकिन वो जब ये बात सुनती है तो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है कि हमारा हीरो यहाँ पर अभी अभी ही यहाँ पर अवेकन हुआ है और उसने आज ही अपने आप को यहाँ पर अवेकनर के रूप में रजिस्टर करवाया है। और वहाँ पर कहने लगती है कि क्या उसने आज ही अपने आप को अवेकन करवाया है और उसने बिना अवेकन हुए ही उस इतनी ज्यादा पावरफुल डंजन को क्लियर कर लिया। वैसे सीन को शिफ्ट करते हुए हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस टीम लीडर ने हमारे हीरो की तरफ काफी अच्छा सा अटैक किया होता है जिससे कि हमारा हीरो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वो बंदी भी वहाँ पर काफी हैरान हो गई होती है और वो कहने लगती है कि आखिरकार वो बंदा यहाँ पर कहाँ गया है। सीन को शिफ्ट करते हुए हमें दिखाया जाता है जब वो लीडर काफी खुश होते हुए वुजिन के कान में कह रहा होता है कि तुम्हें मुझसे पंगा लेना नहीं चाहिए था। पर वुजिन अब वहाँ पर काफी इतराते हुए उससे दूर हट जाता है और वो कहने लगता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था। और वो बंदा जो कि इनका लीडर बना हुआ था वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसको देखने लगता है कि मैंने इसे अटैक किया था और मैंने इसे घायल भी कर दिया था तो इसे मेरा डैमेज लगा क्यों नहीं। वो जब वहाँ पर नीचे देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके अटैक को काफी आसानी से भाप लिया था और उसने वहाँ पर उसके हाथ को काफी टाइटली पकड़ रखा था जो कि काफी बुरी तरीके से कांप रहा था। हमारा हीरो वुजिन वहाँ पर बोलने लगता है कि तुमने तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा इम्प्रिटेंट अटैक किया, मतलब कि मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं पड़ा। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे पूरी की पूरी गुलाटियां के लाते नीचे पटक देता है जिससे कि उसका हाथ काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। अब वुजिन वहाँ पर काफी इतराते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने तुम जैसे इंसानों से एक्सपेक्ट किया था कि तुम यहाँ पर कभी भी किसी के नहीं हो सकते। और वो बाकी पार्टी मेंबर्स की तरफ उंगली उठाते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों से यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्या तुम इसी चीज के लिए यहाँ पर अवेकन हुए थे कि तुम अपने ही पार्टी मेंबर्स को यहाँ पर मार के आगे बढ़ सको। इसकी बात को सुनकर सामने वाले पार्टी मेंबर्स जो कि बचे हुए काफी ज्यादा घबरा चुके थे। हमारा हीरो अब अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पर पड़े हुए जितने भी गॉब्लिंस होते हैं उनकी बॉडी को एज ए कॉर्पस यूज करते हुए उन्हें स्केलेटन सोल्जर्स में तब्दील कर लेता है। और वो कहने लगता है कि तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, आखिरकार तुम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ करने की हिम्मत कैसे की, अब तुम लोग इस चीज के लिए काफी ज्यादा पछताने वाले हो कि तुमने मुझसे पंगे लिए। वहीं पे एक बंदा इस चीज को समझ जाता है कि ये बंदा मतलब कि हमारा हीरो वुजिन यहाँ पर बचे हुए सारे के सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी को एज ए कॉर्पस यूज कर रहा है। वुजिन ने वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स को फॉर्म कर लिया
करता है, पर वो बचे हुए मेंबर्स के ऊपर अटैक करने के लिए उनको आगे बढ़ा देता है और कहने लगता है कि ऑलराइट अब चलो इन लोगों को पनिशमेंट देने की बारी आ गई है। वहीं पे हमें उस पार्टी लीडर को भी दिखाया जाता है जो कि बेचारा पीछे पड़ा होता है, दरअसल सिचुएशन को देख रहा होता है। अब बुजिन के जितने भी स्केलेटन सोल्जर्स होते हैं वो काफी बेदर्दी से उसके पार्टी मेंबर्स को वहाँ पर मारने लगते हैं और लिटरली वो वहाँ पर सभी लोगों को मार देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो पार्टी लीडर उसके पास पड़े हुए उसी खंजर को जिससे कि वो बुजिन को मारने वाला था उसको वहाँ पर उठाकर वापस से बुजिन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उस टाइम पे बुजिन ने उससे पहले उस नाइफ को वहाँ पर उठा लिया होता है, जिसको देखकर वो पार्टी मेंबर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैं इसे यहाँ पर उठाने वाला था लेकिन इसने मुझसे पहले इसको कैसे उठा लिया, आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा फास्ट है यहाँ पर। अब वो बंदा काफी ज्यादा नोटंचर करते हुए बोलने लगता है कि हम इस बारे में जो है बात कर सकते हैं यहाँ पर। बुजिन बुजिन था वो काफी गुस्सा होते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो लिटरली काफी ज्यादा खुश था क्योंकि फिलहाल उसे इस तरह से किए हुए काफी साल हो चुके थे और उसे वापस से फाइट करने का मौका मिल रहा था। वहाँ पर उसे कहने लगता है कि अब तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, क्या तुम अब अपनी इग्नाइट स्किल को फिर से यूज करना नहीं चाहते, मुझे लगता है कि वो कूल डाउन पे चली गई है ना। और वो लिटरली उस नाइफ का यूज करते हुए उसकी चेस्ट के अंदर काफी तेजी से उस नाइफ को इंसर्ट करवा देता है जिससे कि उसकी जान वहाँ पर निकल जाती है। अब दिखाया जाता है कि सारे पार्टी मेंबर्स अब वहाँ पर मर चुके थे जिनकी लाशें वहाँ पर फर्श पर इधर से उधर बिखरी हुई होती है। हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि बुजिन के साथ था, वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है उसको देखकर। एंड हमारा हीरो बुजिन वहाँ पर उस पार्टी मेंबर को मारते हुए कहने लगता है कि बास्टर्ड आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे यहाँ पर धोखा देने की हिम्मत की। अब वो सामने वाला बंदा जो कि बुजिन के साथ था वो काफी ज्यादा हैरान होता हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर कितना ज्यादा पागल है, इस बंदे ने उस पर्सन को काफी बुरी तरीके से यहाँ पर मार दिया है। हमें दिखाया जाता है बुजिन जस्ट उस पार्टी मेंबर के जस्ट के ऊपर बैठा होता है और वहाँ पर कहने लगता है कि जब तुम्हारे साथ में रहने वाले लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं तो तुम्हें उन लोगों से बिल्कुल भी होप नहीं रखनी चाहिए कि वो तुम्हारे लिए कितने ज्यादा पोलाइट हो सकते हैं, वो हर बार तुम्हें धोखा देंगे। और अगर मैं यहाँ पर सही आई हूँ तो तुम मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पर सही किया कि नहीं। शंगू दरअसल ये नाम उस सेकंड पर्सन का था जो कि हमारे बुजिन के साथ में था। अब शंगू तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए वहाँ पर देखने लगता है कि यहाँ पर 5 लोग थे जो कि पूरी तरह से मर चुके हैं। बुजिन को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में शंगू को देखते हुए कहने लगता है कि तुमने मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक। अब शंगू काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो, इन लोगों के साथ में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। बुजिन वहाँ पर शंगू के पास में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो। लेकिन शंगू तो घबरा चुका था, वहाँ पर बोलने लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अब यहाँ पर काफी ज्यादा ठीक। लेकिन बुजिन उसको कहने लगता है कि अब तुम मुझे इसे 2 और बैग लाके दोगे, लेकिन बुजिन तो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन वो सामने वाला बंदा जो कि इसका नाम शंगू था वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसको कहने लगता है कि चलो ठीक है मुझे माफ करना कि इस बार मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं इसका कुछ न कुछ करके जुगाड़ लगा दूं। अब बुजिन काफी गुस्सा करते हुए उसके पास में आता है और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें 2 बार बचाया तो तुम अब कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हें उसका दुगना देना पड़ेगा, राइट। इसकी बात को सुनकर शंगू तो काफी ज्यादा डर जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। हमें अगले सीन में पार्टी लीडर को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह से वहाँ पर मर चुका होता है एंड उसकी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई होती है। हमारा हीरो अब शंगू के शोल्डर के अंदर से उस एरो को बाहर निकाल देता है और वो कहने लगता है कि चलो ठीक है हमें तो मैं यहाँ पर जो है हील कर सकता हूँ, और वो उसको वहाँ पर हील कर भी देता है, जिसके बाद शंगू उसको वहाँ पर थैंक यू कर देता है एंड वो लोग अब वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। हमारा हीरो जब उस डंजन से बाहर निकलता है तो उसके पास ऐसे कई बैग्स होते हैं जिसके अंदर स्टॉल्स भर भर के रखे होते हैं, जिसको देखकर वो एंट्री कर रहा हुआ आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है, उसको देखने लगता है कि तुम्हारे साथ जाने वाले बाकी पार्टी मेंबर्स आखिर गए कहाँ। पर वहीं पे बुजिन कह देता है कि वो सारे के सारे लोग वहाँ पर मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए, हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। इस बात को सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही, क्योंकि उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग था जो कि पूरी तरह से भरा हुआ लग रहा था। और वो उस बैग को देखते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतने सारे ब्लड स्टोन्स को यहाँ पर कैसे ला सकते हो, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन बुजिन उसकी बात को टालते हुए वहाँ पर कहने लगता है कि अगर हम लोग वहाँ पर मर जाते तो आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर जो है एंड स्टोन्स को यहाँ पर ला पाते, हमने इन स्टोन्स को यहाँ पर लाने के लिए काफी ज्यादा मनी को स्पेंड भी किया एंड काफी ज्यादा सफर भी किया, कि आप सब यहाँ पर ठीक है। इसकी बात को सुनकर वो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो है साइन करना पड़ेगा जो कि तुमने इस डंजन के अंदर जो है सक्सेसफुली रेड किए और तुम यहाँ पर पूरी तरह से सेफली बाहर निकल पाए। और वो बंदा साइन करने के लिए रजिस्टर को आगे बढ़ाता हुए कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी डिटेल्स को भी लिखना होगा, जिसके बाद अगर यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तुम्हें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड अगर यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम यहाँ पर हमसे हेल्प ले सकते हो, जो कि तुम्हारे साथ और तुम्हारी टीम के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है हम उसे यहाँ पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे। अब हमें ब्लड स्टोन स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा बुजिन बाहर निकल रहा होता है और वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है क्योंकि
हमारे हीरो ने यहाँ पर लगभग 30 मिलियन स्वॉन्स को उस डंजन से ब्लड स्टोन्स के थ्रू क्लियर कर लिया था और वो काफी खुश होते हुए वहाँ पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन सांगो की हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब थी। वो दिन वहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास फिलहाल के लिए यहाँ पर 30 मिलियन वॉन तो आ चुके, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास सांगो भी है जो कि फिलहाल मुझे 4 मिलियन वॉन और देने वाला है। अगर मैं इनको टोटल मिला तो मेरे पास यहाँ पर 17 मिलियन वॉन तो काफी आसानी से आ ही जाए। और वो काफी खुश होते हैं, वहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे बस यहाँ पर इसी तरह से डंजन्स के अंदर अकेले ही जो है रेड करना होगी, जिसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। पर वहीं पे सांगो तो अपने मन में कुछ गलत कैलकुलेशन लगा रहा होता है। वहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे 40 मिलियन वॉन को उसको पे करना है। आखिरकार मैं यहाँ पर 40 मिलियन वॉन को किस तरह से पे करूंगा? अगर मैं यहाँ पर अपनी सेविंग्स को भी इसको यहाँ पर दे देता हूँ तो मेरे लिए ये इतना भी ज्यादा इनफ नहीं होने वाला है। क्या मुझे यहाँ पर इससे इसके बारे में थोड़ी बात कर लेनी चाहिए? पर उसी टाइम पे वो दिन वहाँ पर सांगो को बोलने लगता है। इसकी बात को सुनकर सांगो हैरान रह जाता है। वो दिन वहाँ पर सांगो को बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मुझे पीठ पीछे धोखा देने वालों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। और वो ऐसे ही कहते वहाँ से बाहर निकल जाता है और जाते जाते भी कह जाता है कि मैं तुम्हारे उस कर्ज को अभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें उसे यहाँ पर अदा करना होगा। साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर मुझे कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है। जब भी तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहीं पे सांगो तो पीछे खड़ा रह जाता है क्योंकि फिलहाल वो बातें नहीं कर पाया होता क्योंकि वो उससे कुछ कंसेशन मांगने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि शेयर मुझे लगता है कि मुझे इसको पे करने के लिए यहाँ पर लोन लेना होगा। और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए आप कहने लगता है कि क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे यहाँ पर इसको 400 मिलियन वॉन पे करना पड़ेंगे, राइट? वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हुए हमें एक बुक स्टोर को दिखाया जाता है। पता नहीं ये एक मॉल की तरह होता है जहाँ पर हमारा हीरो वहाँ पर अंदर जाता है। एक बंदा वहाँ पर जो है काफी ज्यादा बोर होता है, वो बाजिया ले रहा होता है और वो काउंटर को देख रहा होता है क्योंकि काफी टाइम से उसके स्टोर के अंदर कोई भी नहीं आया होता। और वहाँ पर कहना होता है कि आज के दिन यहाँ पर कोई भी नहीं आया, आखिरकार ऐसे मेरा बिजनेस कैसे चलने वाला है? उसी टाइम पे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एक बंदा लात मारते हुए उसके उस स्टोर के अंदर एंटर करता है। वो बंदा उसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, इसका एटीट्यूड इतना ज्यादा खराब है। हमारा हीरो बोजिन आओ देखता है नाव जैसे तैसे अंदर घुसता ही उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और कॉलर से उसको पकड़कर उठा देता है, जिससे कि वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ पर तड़पने लगता है। और वो कहने लगता है कि ये बंदा जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आखिरकार ये मुझे यहाँ पर मार क्यों रहा है? वोजिन तो उसके ऊपर तमाचे ही तमाचे बेल रहा होता है। उसी टाइम पे वो बंदा वहाँ पर वोजिन से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम जो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे इस तरह से कैसे मार सकते हो? लेकिन वोजिन उसकी बात को सुनकर उसे और भी ज्यादा मारने लगता है, जिससे कि बेचारे के दोनों तरफ के गाल जो है सूज जाते हैं, पूरी तरह से पेल हो जाते हैं। अब हमारा वोजिन वहाँ पर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? वहीं पे उस स्टोर के ओनर को यह बात याद आ जाती है, आखिरकार ये बंदा वही क्रेजी बास्टर्ड है जिसके साथ मैंने थोड़े टाइम पहले एक मजाक किया था और इसे पुराना फोन पकड़ा दिया था। वो बंदा वहाँ पर घबराते हुए बोलने लगता है कि मैंने इस तरह के खतरनाक वायलेंस को बस पिक्चरों में ही देखा है, लेकिन आज पहली बार अपने आप पर हो रहा हो तो मैं इसे यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ कि ये कितना ज्यादा पेनफुल होता है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पर जो यहाँ पर छोड़ दो। वो जिन उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसको वहाँ पर नीचे पटक देता है, जिससे कि बेचारे की डिक्की टूट जाती है और काफी चिल्लाते हुए नीचे गिरता है। और वो अब बैठते हुए वहाँ पर वोजिन से कहने लगता है कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वोजिन वहाँ पर कहने लगता है कि हे तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे भूल गए क्या? मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नफरत है जो कि मुझे पीठ पीछे धोखा दे। तुमने मुझे यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक बहुत ही बड़ा झूठ कहा था, क्या तुम्हें याद है? वो बंदा जब हमारे हीरो वोजिन की बात सुनता है तो वहाँ पर कहने लगता है कि बैकस्टेप मैंने कब किसको पीठ पीछे धोखा दिया है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, मैंने कभी किसी का पीठ पीछे उसको धोखा नहीं दिया है। हमारा हीरो अब अपने फोन दिखाते हुए उसको कहने लगता है कि अगर तुम कह रहे हो कि तुमने यहाँ पर किसी को धोखा नहीं दिया तो ये क्या है? क्या तुमने मुझे इस फोन को यहाँ पर सॉल्व नहीं किया था? क्या तुम्हें इस बात को रिमेम्बर करवाना पड़ेगा? इस फोन को देखकर वो बंदा वहाँ पर समझ जाता है कि ये फोन तो वही है जिसे मैंने उस सकर को बेचा था, मतलब कि उस बेकार से गरीब इंसान को बेचा था। आखिरकार ये बंदा वही तो नहीं है? पर हमें दिखाया जाता है कि उस टाइम पे हमारे हीरो को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, वो उस फोन को लेकर काफी ज्यादा खुश दिख रहा था बिकॉज ऑफ उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि रिसेंटली कौन सा फोन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में मिलता है। और वो जिन काफी ज्यादा घूरते हुए उसे वहाँ पर जब देखता है तो वो बंदा वहाँ पर घबराते हुए कहने लगता है कि यही वो बंदा है, ये वो बास्टर्ड है, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? वहीं पे वो जिन उसको धमकाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हें इसके बारे में और भी याद दिलाऊं? अब हमें शाम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो वो जिन ने अपने फोन को दोबारा से एक्सचेंज कर लिया था, वो भी एक
नए मॉडल के अंदर। फिर उसने सारे के सारे कॉन्टेक्ट को उसके अंदर सेव भी कर लिया था जो कि उससे रिलेट करते हैं। पर वहाँ पर उसको देखकर कहने लगता है कि ये फोन पुराने वाले फोन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। हमें दिखाया जाता है जब हमारा हीरो ऐसे ही अपने आप से बात करते हैं वहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है तो उसके पीछे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, लिटरली उसे ही वॉच कर रहे होते हैं। हमारा हीरो तो उस वक्त अपने ही बातों में मस्त था और कहने लगता है कि मैंने उस फोन स्कैमर बास्टर्ड को सबक सिखाकर काफी अच्छा किया। अगर मैं वहाँ पर अल्फन में होता तो उस सिचुएशन में मैं ऐसे लोगों को पूरी तरह से मार दिया करता था। वहीं पे जब सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है तो बोजिर वहाँ पर पीछे मुड़कर देख लेता है जबकि उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कोई यहाँ पर उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे वो बंदे जो कि उसका पीछा कर रहे थे वो उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम ही कांग बोजिन हो, जिसकी बात को सुनकर बोजिर भी हैरान रह जाता है। उसी टाइम पे बोजिन के आसपास कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उसको वहाँ पर घेर लेते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर एक अपग्रेड के नेक्रोमेंसर हो ना, आखिरकार तुमने वहाँ पर गांव के स्टेशन को अकेले ही किस तरह से क्लियर कर लिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ग्रेड यहाँ पर एक एफ रैंक का होना चाहिए, बिकॉज मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ग्रेड यहाँ पर कुछ और ही है, तुम उसको यहाँ पर छुपा रहे हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस केस की बात करें तो ये सब चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, पर हम यहाँ पर इन सब चीजों के लिए प्लान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पर टीम बनाकर तुम्हें मारने के लिए बुलाया गया है। उसी टाइम पे वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है जिसे हमने एपिसोड नंबर 4 के अंदर देखा था। अब वहाँ पर आते हुए वो कहने लगती है, अरे अरे सभी लोग यहाँ पर रुक जाओ, हमें इसे यहाँ पर मारना नहीं है, ये तो एक नया अवेकन हुआ न्यूबी है। जिसको देखकर हमारा हीरो वुजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कौन। वो बंदे वहाँ पर वुजिन को काफी बुरी तरीके से घूर रही हो बिकॉज ऑफ ये काफी ज्यादा डेंजरस वूमेन है। एंड यही पे एपिसोड 8 पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है कि वुजिन किसी को देखकर हैरान हो जाता है और वो उसको कह रहा होता है कि आखिरकार अब तुम कौन। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की आ गई होती है जो कि वहाँ पर कहने लगती है कि लेट इंट्रोडक्शन देने के लिए काफी ज्यादा सॉरी, और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगती है कि मेरा नाम यहाँ पर लियोना है और मैं आवरिंग गिल्ड की मेन टीम कैप्टन। जिसकी बात को सुनकर वुजिन को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि वो फिलहाल इन सब चीजों से काफी ज्यादा था। लेकिन वो वहाँ पर उसकी पावर को काफी अच्छे से सेंस कर पा रहा था बिकॉज ऑफ उसके पास एक स्किल डिटेक्शन टेक्निक भी थी। वहीं पे जब हमारा हीरो वुजिन वहाँ पर उसकी पावर को एनालाइज कर रहा होता है तो वो देखता है कि उस लड़की की बॉडी से रेड कलर का काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज हो रहा था जो कि इस चीज को डिमोन्स्ट्रेट करता है कि ये लड़की कितने ज्यादा लोगों को मार चुकी है। और वो उसको देखकर कहने लगता है मुझे लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और वो वहाँ पर काफी ज्यादा पोलाइटली बात करने की कोशिश करता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। वहीं पे इतनी पोलाइटली बात करते हुए वुजिन को देखकर अब वहाँ पर लियो ने काफी बदतमीजी से उससे बात करने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार इस चूहे को ढूंढने के लिए तुमने इतना टाइम लगा दिया, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस चूहे ने यहाँ पर हमारी डंजन गिल्ड के अंदर विदाउट फियर एंटर करने की कोशिश की है। वहीं पे जब वुजिन इस बात को सुनता है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है बिकॉज ऑफ वो लड़की डायरेक्टली उसे एक चूहा कह रही थी। वहीं पे वुजिन अब उसको जवाब देते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने यहाँ पर एक चूहे को पकड़ने के लिए इतने सारे पीपल्स को गैदर किया हुआ है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी आवरिंग गिल्ड इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। और बात है उस डंजन की तो मुझे तो याद भी नहीं कि तुम किस डंजन की बात कर रही हो। जब वुजिन ये सब कह ही रहा होता है लिटरली इतने में ही एक बंदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसके चेहरे को पकड़ लेता है, जिसकी स्पीड को देखकर वुजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के ने लिटरली वुजिन को चेहरे को पकड़ कर उसे जमीन में फंसा दिया होता है एंड वुजिन के ऊपर काफी गंदा वाला अटैक होता है। वो बंदा उसे वहाँ पर जमीन पर पटकने के बाद कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपने मुंह को काबू में रखो और ज्यादा बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, हमारी गिल्ड यहाँ पर तुम जैसे नौसिखियों से मिलकर नहीं बनी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें यहाँ पर किस तरीके से दूसरों से बात करनी चाहिए। पर वुजिन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उस बंदे के उस हाथ को देख रहा होता है क्योंकि लिटरली वुजिन के ऊपर आज तक किसी ने भी इस तरीके से अटैक नहीं किया था और वो काफी ज्यादा गंदी तरीके से यहाँ पर पिट चुका था। वो उसके हाथ को लिटरली वहाँ पर घूर रहा होता है और वो कहने लगता है कि इस बास्टर्ड को मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है कि वुजिन ने उसके हाथ को पकड़ लिटरली मोड़ दिया होता है जिससे कि उस बंदे को काफी ज्यादा हर्ट होता है एंड यहाँ पर वुजिन ने अपनी स्पीड का यूज किया होता है। जब वहाँ पर वो बंदा वुजिन के हाथों पिटने वाला होता है उतने में ही पीछे खड़ी भी लियो ने काफी बुरी तरीके से वुजिन को घूर रही होती है और वो काफी ज्यादा शांत होती है क्योंकि फिलहाल बात उसकी कैप्टनशिप की इज्जत के ऊपर आ चुकी थी। वो वहाँ पर इस एक्ट को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए वुजिन के ऊपर एक किक मारती है जिससे कि वुजिन थोड़ा सा हर्ट हो जाता है एंड लिटरली पीछे जाकर गिर जाता है जिससे कि वो थोड़ा बहुत डैमेज भी हो चुका था। एंड वहाँ पर हमें दिखाया जाता
लगता है कि लियो ने अपनी स्पीड का यूज करते हुए काफी स्पीड से वुजिन की तरफ आगे बढ़ चुकी थी और वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए वुजिन के ऊपर जब अटैक करने वाली होती तो वुजिन उसकी स्पीड को देखकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बिकॉज ऑफ उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्थ के ऊपर भी इतने ज्यादा पावरफुल बींग फिलहाल अभी के लिए मौजूद होंगे। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है उतने में ही लियो ने अपने फुट स्टेप्स का यूज करते हुए लिटरली वुजिन के चेहरे के ऊपर पैर रख देती है और वुजिन लिटरली उसकी कदमों के नीचे आ चुका था और वो वहाँ पर कराने लगता है। लेकिन वो फिलहाल इन सब चीजों को ध्यान में न देते हुए उस टाइम पे भी ये सोच रहा होता है कि इस लड़की की स्पीड आखिरकार इतनी ज्यादा कैसे है। वहीं पे जब वुजिन उसके कदमों के नीचे था उस टाइम पे लियो ने वहाँ पर बोलने लगती है कि ओए काम वुजिन, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे गिल्ड मेंबर के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर ली, वो भी मेरे सामने। पर वुजिन बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा होता, वो तो बेचारा उसके कदमों के नीचे होता है एंड उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं पे लियो ने उसको बोलने लगती है कि फिलहाल के लिए तो मैं तुझे यहाँ पर छोड़ रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर तुम यहाँ पर एक एवरेज एफ रैंक के अवेग्नर बनकर रहना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने हायर ऑफिशियल से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए, और अगर तुम यहाँ पर अपने आप को और भी ज्यादा बेस्ट करके मेरे सामने जो है लेके आते हो तो मुझे तो काफी ज्यादा खुशी होगी कि तुमने यहाँ पर अपनी स्किल्स का यूज करते हुए अपने आप को ग्रो किया। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम अभी और भविष्य में कभी भी मुझसे पंगे मत लेना, स्पेशली अगर बात होगी आवरिंग गिल्ड की या आवरिंग गिल्ड से इन्वॉल्व होने की तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। वहीं पे अब वो वुजिन को वहाँ पर ऐसी हालत में वहाँ पर छोड़कर जाने लगती है और जाते जाते भी वुजिन को वहाँ पर धमकी देते हुए कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर लाइफ लॉन्ग अच्छे से जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरी इस एडवाइस को काफी अच्छे से समझना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वुजिन उसकी बात को सुन तो रहा होता है लेकिन फिलहाल उसकी बॉडी काफी ज्यादा शेक कर रही थी। ऐसे ही कहते लियो ने वहाँ पर अपने पार्टी मेंबर्स के साथ में वहाँ से डिप कर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वुजिन अभी भी अपने चेहरे को पकड़कर उन सब चीजों को वहाँ पर सोच रहा था कि फिलहाल अभी उसके साथ में यहाँ पर होगा गया एंड वो उसी सड़क पर वहाँ पर लेट के अब सोचने लगता है कि ये लड़की आखिरकार कितनी ज्यादा पावरफुल थी। मुझे तो लगा था कि ये लोग बस थोड़े से स्ट्यूपिड होंगे लेकिन ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग निकले। वैसे सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है कि फिलहाल तो वुजिन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि फिलहाल अचानक उसके साथ में यहाँ पर होकर गया, क्योंकि उससे यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो वहाँ पर बस यही रट लगाकर बैठा होता है कि आखिरकार ये लियो ने और आवरिंग गिल्ड कौन। और वैसे ही कहते वहाँ पर अब जेमिन के पास पहुँच जाता है जिसके साथ में वो फिलहाल अभी के लिए स्टे कर रहा था, और जब उसे लियो ने और आवरिंग गिल्ड के बारे में बताता है तो वो जेमिन काफी ज्यादा चौंकते हुए वहाँ पर कहने लगता है कि लियो ने और आवरिंग गिल्ड आखिरकार तुमने उनके साथ तो पंखे कैसे ले लिए। वुजिन उसको वहाँ पर बताने लगता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग कुछ पर्सनल रीजन से मेरे पास आए थे, क्या तुम इनके बारे में कुछ जानते हो। वहीं पे जेमिन उसको बताते हुए कहने लगता है कि क्या तुम इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते, ये टॉप 10 गिल्ड के अंदर आने वाली एक गिल्ड है एंड फिलहाल तुम जिससे पंखे लेके आए हो वो अभी तक की कोरिया की ए रैंक की अवेग्नर है जो कि पूरी की पूरी कंट्री में सिर्फ चुनिंदा लोगों में से एक है। और वो वहाँ पे अब उन टॉप 10 गिल्ड के बारे में बताने लगता है जिनमें तीन सबसे मोस्ट पावरफुल गिल्ड इनके शहर के अंदर ही मौजूद होती है। वहीं पे जेमिन बताने लगता है कि ये आवरिक गिल्ड अकेले ही यहाँ पर बाकी दो गिल्ड के बराबर है, मतलब कि इसकी पावर यहाँ पर टॉप 3 गिल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मानी जाती है एंड ये यहाँ पर पूरे के पूरे प्रेसिडेंट की तरह रूल करती है इस पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर। एंड अगर तुमने यहाँ पर लिटरली इनका यहाँ पर थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस ले लिया तो सिर्फ इनके इन्फ्लुएंस के कारण ही तुम यहाँ पर पूरी की पूरी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को पूरी तरह से तब्दील कर सकते हो अपने मन मुताबिक, और ये इन्फ्लुएंस अभी तक का सबसे नंबर 1 इन्फ्लुएंस कहलाएगा। इसकी बात को सुनकर वुजिन तो अजीब सा रिएक्ट करने लगता है और वो कहने लगता है कि वो आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अब मुझे यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए। वहीं पे हाई मतलब कि हमारा वुजिन, फिलहाल इसके दो नाम है तो हम इसे वुजिन ही कहेंगे। तो वुजिन वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रिकवर करना होगा, मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर वापस आएंगे और इस बार जब वो यहाँ पर वापस आएंगे तो मुझे लगता है कि पूरी पूरी आवरिंग गिल्ड के पीपल मेरे पीछे पड़ने वाले। पर वहीं पे जेमिन डायरेक्टली ही वुजिन से बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने वहाँ पर आवरिंग गिल्ड के साथ में ऐसा क्या कर दिया कि उन लोगों का अटेंशन तुमने इतनी आसानी से ग्रैब कर लिया, कि तुमने वहाँ पर जो फर्स्ट डंजन क्लियर करी थी वो गिल्ड की थी क्या। और वो ऐसे ही कहते हैं वुजिन के ऊपर हंसने लगता है और वो कहने लगता है कि आयु आखिरकार तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को मैं 22 तोपों की सलामी देता हूँ, आखिरकार तुम इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो। और वो उसके एफ रैंक का होने का मजाक उड़ाता है क्योंकि फिलहाल आज ही के दिन उसने अपना आपको रजिस्टर किया था। इसकी बात को सुनकर वुजिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिलहाल बात आगे बढ़ रही होती है और वो कहने लगता है कि ये बास्टर्ड तो बहुत ही बेकार है, मेरा मजाक उड़ा रहा देख लो। और वो बैठे बैठे सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोचूं तो फिलहाल के
लिए मैं यहाँ पर डिसएडवांटेज में हूँ, क्योंकि फिलहाल मुझे यहाँ पर अपने आप को लेवल अप करवाने की जरूरत है। अगर मैं उन लोगों से यहाँ पर फाइट करता हूँ तो डंजन के आउटसाइड फाइट करने में मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ और नेक्रोमेंसी को परफॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पर कई सारे कॉर्पस की जरूरत पड़ती है। और फिलहाल के लिए मेरे पास अपनी नेक्रोमेंसी स्किल को यूज करने के लिए भी एक लिमिट है, इसलिए बाहर में उसका इतनी आसानी से बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन सब चीजों को करने के लिए काफी ज्यादा डेड बॉडीज की जरूरत पड़ती है। वुजिन ये सब वहाँ पर सोच ही रहा होता है, उसी टाइम पर जेमिन उसको वहाँ पर टोक देता है। अब वुजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग को लेके जेमिन को दे रहा होता है, और वो उसको कह रहा होता है कि मेरी तरफ से कुछ ट्रीट्स हैं, तो तुम इसे यहाँ पर जो है ले लो एज ए गिफ्ट मेरी तरफ से। जिसको देखकर जेमिन तो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो उसके पास में से एक गिफ्ट को निकालता है जो की एक परफ्यूम की बॉटल थी। इसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि हाई यूंग, तुम यहाँ पर मुझे एक परफ्यूम क्यों गिफ्ट कर रहे हो। लेकिन वहीं पे वुजिन सोचने लगता है कि ये बास्टर्ड इस तरह से क्यों एक्ट कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा सरप्राइज है। मुझे तो लगता है कि ये सब बस पैसे की बर्बादी है जो भी है। वहीं पे अब वो जेमिन को पैसे देने लगता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा थे, तो जेमिन उससे इतने सारे पैसे लेने के लिए वहाँ पर मना कर देता है और वो कह लगता है कि ये तो काफी ज्यादा है, मैं इसे यहाँ पर नहीं ले सकता, तुम मुझे बस उतने पैसे दे सकते हो जितने तुमने मुझसे बोरो किए थे। पर वहीं पे वुजिन उसको कहने लगता है कि बास्टर्ड सब ठीक है तुम इसे ले सकते हो, पर वही तो जेमिन मना कर रहा होता है और कह रहा होता है तुमने मेरी यहाँ पर जो काफी ज्यादा हेल्प की थी जब मैं वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों में फंसा हुआ था, चाहे मुझे बिल्कुल भी इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, ये तो काफी ज्यादा है, तुम इसे यहाँ पर जो रख सकते हो। लेकिन वो दिन कैसे भी उसको वो पैसे पकड़ा देता है। इसको देखकर जेमिन तो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहने लगता है कि वो दिन यार भाई तुम तो बहुत ही अच्छे हो यार। इसकी बात को सुनकर अब वो दिन काफी ज्यादा हंसते हुए वहाँ पर कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब ये बात हमने यहाँ पर सेटल कर ली है, मुझे लगता है कि अब ये सब चीजें यहाँ पर जो है खत्म करते हैं। मैंने तुमसे इतने पैसे लिए थे, मैंने एज ए फी तुमको यहाँ पर जो है वापस कर दिए हैं, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वहीं पे जेमिन तो अभी भी उन पैसों को देख रहा होता है और कह रहा होता है चलो ठीक है जो भी है, लेकिन फिलहाल उसने पहली बार इतने ज्यादा पैसे एक साथ देखे थे और उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि वुजिन के पास एक ही बार में इतने ज्यादा पैसे कैसे आ गए। वहीं पे वुजिन तो काफी इंजॉय करते हुए कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर और ज्यादा रहना चाहोगे क्या, पर वुजिन तो वहाँ पर अपनी ही मस्ती में मस्त था। वो वहाँ पर कहने लगता है कि इस एल्कोहल का टेस्ट तो काफी ज्यादा बढ़िया है यार। पर वहीं पे जेमिन उसको कहने लगता है कि वुजिन क्या तुम यहाँ पर अपनी मॉम से मिलना नहीं चाहते क्या। पर अब वुजिन वहाँ पर पूरी की पूरी बात को बताते हुए कहने लगता है कि बास्टर्ड बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर मैं इसलिए अपने मॉम के पास नहीं जा सकता क्योंकि मेरी मॉम जहाँ पर रहती है वो काफी ज्यादा छोटा है एंड वो फिलहाल वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते, इसलिए फिलहाल के लिए वो तुम्हारे टेक केयर के अंदर, लेकिन मैं इन सब चीजों के लिए तुम्हें यहाँ पर पैसे दे सकता हूँ एंड मैं यहाँ पर जब तक तुम्हारे साथ में रहने वाला हूँ जब तक कि मैं एक हाउस को खरीदने के लिए एबल ना हो जाऊँ। पर वहीं पे जेमिन को दिखाया जाता है जो कि बेचारा सिर लटकाए खड़ा होता है। वहीं पे वो दिन बोलने लगता है कि क्या इतना पैसा इनफ नहीं है, क्या तुम्हें और चाहिए क्या। वहीं पे अब जेमिन बोलने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर बात पैसों की नहीं थी, मुझे लगा कि तुम अपने मॉम से मिलना चाहता हूँ। वो वहाँ पर जब उसकी फोन को देखता है तो उसको फोन को देखकर काफी अजीब सा रिएक्ट करता है और कहने लगता है कि वुजिन क्या तुमने यहाँ पर एक नए फोन को लिया है, मुझे लगता है कि ये फोन पहले वाले से काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि तुमने फोन को यहाँ पर चेंज कर लिया है और ये काफी ज्यादा नया मॉडल है। इतने में ही वुजिन उसको अपना फोन दिखाते हुए कहने लगता है कि ऑल गुड, तुम उसको यहाँ पर देख सकते हो। वहीं पे जेमिन उसको अब ले लेता है और कहने लगता है कि क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ क्या। वहीं पे वो उस फोन को लेता है और वो कहने लगता है कि इसके ऊपर इतना ज्यादा क्रेजी रेड कलर क्यों अप्लाई किया हुआ है आखिर। और जब यहाँ पर वो क्रेजी रेट कहता है तो वो जो उसको समझाता है कि ये क्रेजी रेट नहीं है बास्टर्ड, इसको बनाने के लिए यहाँ पर काफी सारे ब्लड स्टोन्स को यूज किया गया है, इसका मतलब कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। वहीं पे वुजिन कहने लगता है कि इसका मतलब तुमने यहाँ पर जो है काफी ज्यादा मनी को अर्न किया है ना वुजिन। तो वुजिन उसको कहने लगता है मैंने बस इसे यहाँ पर एक प्राइस के रूप में ऑब्टेन किया था, बस एक इवेंट के अंदर मैंने इसको यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया। इसकी बात को सुनकर वुजिन कहने लगता है एन इवेंट, आखिरकार ऐसा कौन सा इवेंट है इसमें इतना महंगा फोन मिलने वाला है। वहीं पे वुजिन उस इवेंट को याद कर रहा होता है जब वो उस फोन रिटेलर को बुरी तरह से पीट रहा था एंड वो उसको और भी मारने वाला था। वुजिन वहाँ पर कहने लगता है कि वो मेरी लाइफ में अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट कहलाने वाला था क्योंकि मैंने एक ही दिन में एक बंदे को इतना ज्यादा मारा था कि वो बेचारा रो के मुझसे माफी की भीख मांग रहा था, और मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम इस चीज को यहाँ पर इस इवेंट को यहाँ पर भूलने नहीं वाला। और वो अपने मन में अल्कोहल पीते हुए सोच रहा होता है कि उस क्रेजी बास्टर्ड को यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर ये सब चीजें सेटल हो चुकी। वहीं पे जेमिन बोलने लगता है कि वुजिन तुम तो काफी ज्यादा क्रेजी हो यार, तुमने यहाँ पर इतना सब कुछ कर लिया, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्किलफुल हो। जिसकी बात को सुनकर वुजिन कहने लगता है कि क्या। वहीं पे जेमिन बोलने लगता है वेट, इसके अंदर कितने ज्यादा जीरोस है यार, आखिरकार तुम्हारे पास कितना पैसा है। की बात को सुनकर वुजिन वहाँ पर कहने लगता है मुझे मेरा फोन वापस करो। लिटरली जब वुजिन वहाँ पर अपने हाथ में अपने बैंक अकाउंट के मैसेज को देख रहा होता है उसमें बताया जा रहा होता है कि फिलहाल आपके इस अकाउंट में 40 मिलियन वॉन को अभी अभी डिपॉजिट किया गया है एंड
फिलहाल अभी किसी ने यहाँ पर आपको 11 मिलियन वॉन और डिपॉजिट कर दिया है, जो कि 00 Bank 5 सांगू के द्वारा डिपॉजिट किया गया है। उसको देखकर वुजिन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वुजिन ने वहाँ पर उसे सिर्फ 4 मिलियन वॉन देने के लिए कहा था, लेकिन उसे यहाँ पर 40 मिलियन वॉन और 11 मिलियन वॉन एक्स्ट्रा यहाँ पर पे कर दिए थे। उसको देखकर कहने लगता है, आखिरकार ये बास्टर्ड यहाँ पर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है। मैंने उसे कहा था कि वो मुझे यहाँ पर बस 4 बिग वन दे दे, मतलब कि इसका 4 गुना दे दे जितनी हमारी बात हुई थी, लेकिन वो मुझे यहाँ पर उसका 40 गुना क्यों पे कर रहा है। और उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पे हमें सीन को शिफ्ट करते हुए एंजल वन कैफे हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जिन अंदर की साइड बैठा होता है। एट उसी टाइम पे सांगू भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसको कहने लगता है कि हायुंग निम, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। वहीं पे वो जिन उसको अब गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर बस कुछ ही घंटे हुए एंड मैं तुम्हें जैसा कहा था, आखिरकार तुमने यहाँ पर जो क्या कर दिया, क्या तुम मुझे यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कोई होबा हूँ। इसकी बात को सुनकर सांगू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो काफी डरते हुए वहाँ पर एकदम शांत खड़ा होता है। वहीं पे वो जिन उसको कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे बस इसका 4 गुना पे कर देना। वहीं पे सांगू अब बैकफ्लैश में जाने लगता है और वो कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये मुझसे और भी ज्यादा मनी की डिमांड कर रहा है। और उसको वो सीन याद आ रहा होता है जब उसने उस डंजन के अंदर उस पार्टी लीडर को मार दिया था, उसके चेस्ट पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे पीठ पीछे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है और ऐसे लोगों को मैं मार दिया करता हूँ। वहीं पे सांगू भी उस चीज को याद करते हुए अब सोचने लगता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर पे नहीं करूंगा तो ये मुझे कहीं उसी तरीके से मार तो नहीं देगा, क्योंकि मैं भी जस्ट उसी की तरह एक मामूली सा इंसान हूं। और वो काफी घबराते हुए बिल्कुल साइलेंट वहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि सांगू वहाँ पर अपने घुटनों के बल आ जाता है और वो कहने लगता है कि हायुंग निम, मुझे बस बचा लो, मैं इन सब चीजों से जो है काफी ज्यादा सफर कर रहा हूँ। वहीं पे वुजिन को दिखाया जाता है जो कि बेचारा काफी ज्यादा अजीब सा रिएक्ट करते हुए उसको देख रहा होता है, क्योंकि फिलहाल उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। वहीं पे सांगू अब चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हारे सारे की सारी मनी को यहाँ पर डेफिनेटली पे कर दूंगा जब मेरे पास वो आ जाएगी, पर मुझे यहाँ पर इन सब चीजों के लिए कुछ टाइम की जरूरत है। उसी टाइम पे वहाँ पर जब ये सीन हो रहा होता है तो आसपास के लोग जो कि कैफे में उसके साथ में बैठे थे वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि क्या ये बंदा यहाँ पर कोई गैंगस्टर है, और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये बंदा यहाँ पर इससे कुछ लोन लेने की बात कर रहा है क्या, और ऐसे ही वहाँ पर ऐसी बात हो रहने लगती है। पर वहीं पे वो जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, वो वहाँ पर सांगू को चिल्लाते हुए कहने लगता है, पीछे चलो ठीक है, अब यहाँ पर जो है नीचे मत बैठो और यहाँ पर ऊपर उठ के चेयर के ऊपर बैठ जाओ अगर तुम यहाँ पर बनना नहीं चाहते तो। वहीं पे घबराते हुए सांगू अब ऊपर बैठने लगता है। वो कहने लगता है कि चलो ठीक है। अब सांगू वहाँ पर पूरी की पूरी बात को बताने लगता है और कहने लगता है कि मुझे इन सब चीजों के लिए माफ कर देना हायुंग निम, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 400 मिलियन वॉन तुमको कैसे पे कर दूं जब मेरे पास इतना है ही नहीं। मुझे यहाँ पर इन सब चीजों को सेटल आउट करने के लिए थोड़ा बहुत समय तो चाहिए होगा, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर जो थोड़ा सा समय लेने के लिए आया था, और मैं श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर इन सब चीजों को रिपेयर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। पर वही वुजिन तो अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार मैंने इसे यहाँ पर बस 2 मिलियन वॉन का 4 गुना देने के लिए कहा था, लेकिन ये बंदा यहाँ पर मुझे 400 मिलियन वॉन देने की बात कर रहा है। जब वुजिन वहाँ पर कहने लगता है कि आखिरकार ये 400 मिलियन वॉन की बात क्यों कर रहा है, तो सांगू वहाँ पर कहने लगता है कि यस। अब वहाँ पर वुजिन अपने मन में सोचते लगता है कि शे, मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस बंदे को यहाँ पर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने इसे कहा था कि ये मुझे बस 4 मिलियन वॉन पे कर दे, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर मुझे 40 मिलियन वॉन कर दिए, और अब ये मुझे कह रहा है कि ये मुझे 4 बिलियन वॉन देने वाला है। मुझे लगता है कि ये बंदा कुछ काफी ज्यादा ही कंफ्यूज है, और वो सांगू को काफी गौर से देखने लगता है। उसको देखकर सोचने लगता है कि मुझे फिलहाल इसके लिए यहाँ पर इसकी मिस अंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाना चाहिए, और वो काफी हंसते हुए उसे कहने लगता है, तो तुम्हें यहाँ पर कितना टाइम लगेगा इन सब चीजों को पे करने के लिए, मुझे यहाँ पर इन सब चीजों के लिए कितना वेट करना होगा, क्योंकि फिलहाल ये सब चीजें वो जिनको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही थी बैठे ही बैठे 4 बिलियन वॉन को कमाने के लिए। एंड यही पे एपिसोड नंबर 9 पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है कि वो जिन टहलते हुए सुबह सुबह कहीं जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सीन अगले दिन के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। वहीं पे कुछ दूर चलते उससे वहाँ पर सांगू दिखाई देता है, जो कि एपिसोड नंबर 3 में उसको यहाँ पर एक डंजन के अंदर एज अ पार्टनर मिल चुका था। वो वहाँ पर उसको इशारा करते हुए अपने पास बुलाता है। अब वो दोनों वहाँ पर उसकी कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सांगू काफी ज्यादा खुश लग रहा था। इसको देख के वुजिन उसको डायरेक्टली बोल देता है कि आखिरकार आज तुम्हारा मूड यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा कैसे, क्या इसका कारण यहाँ पर तुम्हारा स्लेव बनने का सबसे पहला दिन तो नहीं है। लेकिन वहीं पे सांगू उसको डायरेक्टली बोल देता है कि नहीं बात ऐसी नहीं है, अगर मैं यहाँ पर एज अ बींग ऑफ स्लेव काम भी करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिट्स है, जो कि
मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए फिलहाल के लिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और वैसे ही कहते वहाँ से अपनी कार को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पे वो दिन तो लिटरली अभी भी वहाँ पर सांगो को देख रहा था, क्योंकि जब से उसने इस वर्ल्ड के अंदर अपने आप को टेलीपोर्ट किया है उसके बाद से उसे यहाँ पर एक पार्टनर के रूप में काफी ज्यादा लोयल फ्रेंड मिल चुका है, क्योंकि हर वक्त उसके साथ में रहने वाला था, जबकि उसको उसकी पुरानी लाइफ के अंदर बिल्कुल भी मिला था। वहीं पे अब उसे एक दिन पहले का उस रेस्टोरेंट का सीन याद आता है, जहाँ पर सांगो ने डायरेक्टली वुजिन को मना कर दिया था कि फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें 400 मिलियन वॉन को पे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इतना मनी बिल्कुल भी नहीं है, एंड अगर मैं आपस को बैंक से भी बोरो करूँ तो मैं इतना नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में एज ए पार्टी मेंबर जब तक काम करूंगा जब तक कि मैं इन सारे के सारे अमाउंट को तुम्हें यहाँ पर पे ना कर दूँ। लेकिन उसकी बात को सुनकर वुजिन तो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कहने लगता है कि एट द एंड तुमने यहाँ पर इस बात को करने के लिए मुझे यहाँ पर इतनी दूर बुलवाया था, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। वहीं पे अब उसके इस रवैये को देख के सांगो बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसने सामने के सामने वहाँ पर उस बंदे के असली रूप को पहले ही देख रखा था, और वो अब काफी घबराते हुए बोलने लगता है कि नहीं 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 तुम गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का यहाँ पर कुछ और ही मतलब था, दरअसल मैं यहाँ पर कहना चाहता था कि मैं तुम्हें यहाँ पर एज अ मैनेजर की तरह सर्व करना चाहता हूँ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि मैं इस 400 मिलियन बॉन्ड को कम्प्लीटली तुम्हें यहाँ पर पे ना कर दूँ। इसकी बात को सुनकर अब वुजिन भी उसकी बात में इंटरेस्टेड दिख रहा था, क्योंकि वो उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा सोचने लगता है, और वो जब बहुत कुछ नहीं बोलता तो सांगो समझ जाता है कि इसे यहाँ पर एक मैनेजर की जरूरत तो काफी ज्यादा है, और सांगो अब काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं वहाँ पर बोलने लगता है कि यस, अगर मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर तुम्हारे लिए काम करता हूँ तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि डंजन को सिलेक्ट करना, रिजर्वेशन करना, एंड साथ ही साथ ब्लड स्टोन को सेल करना, एंड इसके अलावा इवन मैं यहाँ पर तुम्हारे ड्राइवर भी बन सकता हूँ। तो जैसा कि मेरा कहने का मतलब है, अगर हम दोनों यहाँ पर मिलके साथ में काम करें तो हम यहाँ पर एक गिल्ड को बना सकते हैं, एंड साथ ही साथ मैं तुम्हारे लिए एक सपोर्ट डिवीजन की तरह काम कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अब वो दिन डायरेक्टली उसको बोल देता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम यहाँ पर एक स्लेव बन के काम करना चाहते हो, मतलब कि गुलाम बन के काम करना चाहते हो। इस बात को सुनकर सांगो की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन वहीं पे अब वो दिन काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पे करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहते हो, क्योंकि फिलहाल तुम्हारे पास अभी मुझे लेने के लिए मनी नहीं। पर सांगो तो उसकी इस बात को सुनकर अपने मन में सोचने लगता है कि ये बंदा एक तरह से बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये बात कर रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरी तरह से शीट कर रहा है। लेकिन अब वो काफी खुश होते हुए वहाँ पर कहने लगता है कि दैट्स करेक्ट वुजिन, आखिरकार तुम यहाँ पे समझ ही गए। इस बात को वुजिन वहाँ पर अब एक्सेप्ट कर लेता है और उसको कहता है कि चलो ठीक है ऑलराइट, लेकिन हम इसे यहाँ पर ऐसे ही नहीं कर सकते, हमें इसके लिए यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन को सेट करना होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक साल का टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा होगा, पर साथ में अगर यहाँ पर मैं तुम्हें इतना काम करवाने के बाद भी कुछ ना दो तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पर इन सब चीजों के लिए सैलरी भी पे करूंगा। इसके बात को सुनकर सांगो तो बिल्कुल खुश हो जाता है, और वो वुजिन को वहाँ पर थैंक यू करने लगता है, पर वुजिन तो उसको देख के अब अपने मन में सोचने लगता है कि फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर थैंक यू से तुम्हें करना चाहिए सांगो। एंड सीन को करंट सिनेरियो के ऊपर ले आते हैं, जहाँ पर वो दोनों अभी कार में ट्रेवल कर रहे थे। वहीं पे वुजिन अभी भी सांगो को स्माइल करते हुए उसी तरह से घूर रहा था, और वो उसको देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि इस बंदे ने मुझे अभी फिलहाल 36 मिलियन को ऑलरेडी पे कर दिया है, लेकिन ये बंदा अभी भी मेरा यहाँ पर स्लेव बना हुआ है, जबकि इसे यहाँ पर 8 मिलियन वोन को ही पे करना था। वहीं पे अब वुजिन उसको डायरेक्टली बोलने लगता है कि अगर हम यहाँ पर काफी अच्छा अर्न करते हैं एंड यहाँ पर हमारी गिल्ड काफी अच्छी बन जाती है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जितना भी अर्न करूंगा उसका टोटल 10% यहाँ पर तुम्हारा होगा। इसकी बात को सुनकर सांगो काफी खुश होते हुए बोलने लगता है कि वुजिन भाई तू तो काफी ज्यादा ग्रेट है। लेकिन वहीं पे वुजिन उसको बोलने लगता है तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छी सी डंजन को पाउंड करो ताकि हम उसके अंदर रेड कर पाए, तो क्या तुमने वो कर लिया। इस बात को सुनकर सांगो वहाँ पे बोलने लगता है कि हाँ मैंने यहाँ पर एक डंजन को पाउंड किया है जिसके लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक 3 टायर के डंजन को पाउंड किया है जिसके अंदर तुम्हारे कहने के मुताबिक काफी ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सबमरीन मॉन्स्टर्स मौजूद है, जो कि इसके साइड के ऊपर ही मेंशन की गई थी। तो वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये डंजन एग्जिट नंबर 3 मियाबाओ स्टेशन के अंदर मौजूद है, एंड इस डंजन को रॉकवी डंजन कहा जाता है, जहाँ पर काफी सारे कॉकरोचेस लाइक बड़े बड़े मॉन्स्टर्स मौजूद रहते हैं। जब वुजिन और सांगो वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, एंड वुजिन का तो वहाँ पर मूड ही खराब हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार इस शीट को देखने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया था। जब वो वहाँ पर देखते हैं तो उनके आसपास हजारों की संख्या में काफी सारे छोटे छोटे इंसेक्ट मौजूद होते हैं, जो कि लिटरली इतने भी छोटे नहीं होते, लेकिन वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे। पर फिर भी वुजिन डायरेक्टली सांगो को बोल देता है कि तुम मेरे पीछे रहना, हो सकता है कि यहाँ पर हमें खतरा हो, जिसकी बात को सांगो भी मान जाता है। एंड एट द एंड वुजिन वहाँ पर अपने सिस्टम वीडियो को ओपन करता है, जहाँ पर वो
उसको देखकर कहने लगता है कि फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पर पहले की काफी ज्यादा स्टेट पॉइंट मौजूद है, इसको यहाँ पर मैं अलॉकेट कर सकता हूँ, मतलब कि कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वो सारे के सारे स्टेट पॉइंट को अब डोमिनेशन पॉइंट में कन्वर्ट करने लगता है, जिससे कि उसके पास काफी ज्यादा डोमिनेशन पॉइंट्स आ जाते हैं। एंड उसे वहाँ पर उसी टाइम पे एक नोटिस का पॉपअप आता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि आप अब यहाँ पे स्केलेटन समनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी काउंट यहाँ पर 19 होगी। एंड वो उसको देखकर कहने लगता है कि चलो अब मुझे क्वांटिटी के साथ में क्वांटिटी मैच करने का एक मौका मिल जाएगा। और वो वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है बिना कॉर्पस का यूज करते हुए। और वो कहने लगता है कि चलो अब हम यहाँ पे दंगल करेंगे। वो इसे सीन को शिफ्ट करते हैं, हमें इधर उधर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो सारे के सारे कॉकरोचेस लाइक मॉन्स्टर्स इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि वो स्केलेटन सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जब वहाँ पर एक मॉन्स्टर उन स्केलेटन सोल्जर से पकड़ा जाता है, तो वो बेचारा काफी ज्यादा कांप रहा था, क्योंकि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर वो दिन की तरह ही एक्ट कर रहे थे। वो लिटरली झुंड बनाकर उसको वहाँ पर मार देते हैं। एंड वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हैं, हमें सांगो को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर ऊपर के फ्लोर को क्लियर करने के बाद नीचे आया था। वहाँ पर बोलने लगता है कि वुजिन, मैंने यहाँ पर ऊपर के जितने भी ब्लड स्टोन्स को कनेक्ट करना था, मैंने वो सारा काम कंप्लीट कर दिया, क्या यहाँ पे तुमने अभी तक शुरू किया है? जिसको वुजिन काफी हैरानी से वहाँ पर देख रहा था। लेकिन जब शांगो वहाँ पर देखता है, तो उसे वहाँ पर दिखाई देता है कि उसने इस फ्लोर को भी काफी ज्यादा जल्दी क्लियर कर दिया है। एंड यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स बुरी तरीके से मरे हुए पड़े थे, जिसको देख के शांगो वहाँ पर बोलने लगता है कि तुमने यहाँ पर पहले ही सबको मार दिया ऑलरेडी, आखिरकार तुमने इस सॉफ्टवेयर डंजन को इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे क्लियर कर लिया? क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो 2 घंटे के अंदर अंदर हमें यहाँ पर क्लियर करना था, पर यहाँ पर हमें बस अभी 15 मिनट हुआ है एंड हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। अब वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जिन अब काफी थकने के बाद वहाँ पर साइड में बैठ जाता है। वो कहने लगता है कि मैन, मुझे यहाँ पर अब जो है यहाँ पर ब्रेक की जरूरत है। और वो काफी हफ्ते पे बैठ जाता है और वो अपने सिस्टम वीडियो को ओपन करता है, जहाँ पर उसे दिखाया जाता है कि फिलहाल के लिए अभी आप यहाँ पर लेवल 7 के ऊपर आ चुके हैं। तो वहाँ पर वो अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है एंड वहाँ पर स्किल बुक को खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यहाँ पर काफी ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स मिल चुके थे। और वो वहाँ पर काफी सारी स्किल बुक के अंदर टेक्निक्स को फाउंड करता है, जहाँ पर उसे फायर पिस्टल नाम की टेक्निक मिलती है, जिसके अंदर 20 नंबर ऑफ अचीवमेंट पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। उसी के बाद ही इसे यहाँ पर एक्टिवेट कर पाए, जो कि लेवल 7 के ऊपर ऑलरेडी अभी एक्टिवेट हो चुकी है। वहीं पे उसे ऐसे ही करते एक और टेक्निक मिलती है, जिसे ओरा बोल कहते हैं, जिसको देख के वुजिन कहने लगता है कि ये सारी की सारी स्किल यहाँ पर लेवल 7 के ऊपर अवेक हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से यूजलेस है। लेकिन जब वो वहाँ पर स्वाइप करते हुए अगली स्किल को देखता है, तो उसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या है, जरा इसको देखो तो। और उसे वहाँ पर दिखाई देता है एक नई टेक्निक को, जहाँ पर उसे एक स्केलेटन मजिशियन समन करने की टेक्निक मिलती है, जहाँ पर उसे वो देखकर कहने लगता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर एक स्केलेटन मजिशियन मिल चुका है, जो कि नॉर्मल स्केलेटन सोल्जर से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और उसको देखकर कहने लगता है कि मैं इस टेक्निक को यहाँ पर लेवल 10 के ऊपर आने के बाद ही लर्न कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसे एडवांस में ही यहाँ पर बुक कर लेता हूँ, शायद बाद में इसको मौका ना मिले बुक करने का। वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हैं, हमें सांगो को दिखाई देता है, जो कि इस फ्लोर को भी कम्प्लीटली क्लियर करने के बाद वुजिन के पास आया होता है। और वो कहने लगता है कि हमने यहाँ पर लिटरली सब कुछ कम्प्लीट कर दिया है, अब हम इस डंजन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वुजिन वहाँ पर काम आने वाला था, वो तो कहने लगता है कि अभी हमारे पास यहाँ पर कितना टाइम बाकी है। वहीं पे सांगो कह देता है कि अभी हमारे पास यहाँ पर 27 मिनट्स और बाकी है। इसके बाद को सुनकर वुजिन वहाँ पर अंदाजा लगाता है कि लिटरली हमें यहाँ पर पूरी की पूरी डंजन को क्लियर करने के लिए मिनिमम 4 घंटे की जरूरत है। इसके बात को सुनने के बाद वुजिन वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर अब आगे बढ़ना चाहिए, हमें यहाँ पर इसका 7 times और कलेक्ट करना है, तो जल्दी करो। जिसके बात को सुनकर जांगु बेचारा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि चलो ठीक, और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वही पे हमें ब्लड स्टोन परचेसिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आते हुए एक अकाउंट पासबुक को आगे करता है और बोलता है कि सर इसके अंदर 53.2 million बॉन्ड मौजूद है, जो कि इस अकाउंट के अंदर अभी के अभी डिपॉजिट कर दिए गए। एंड उसको वहाँ पर सांगू रिसीव कर लेता है, क्योंकि वो वुजिन का यहाँ पर एक मैनेजर बन चुका था। सांगू वहाँ पे जब 50 million बॉन्ड को देखता है एक साथ में, तो वो उससे देखकर बौखला जाता है, क्योंकि उसने जीवन में 50 million बॉन्ड को एक साथ नहीं देखा था। और कहने लगता है कि 53 million बॉन्ड आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे ने तो यहाँ पे 50 million बॉन्ड को बस 30 मिनट के अंदर कलेक्ट करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे 400 million बॉन्ड को इस प्लेस के ऊपर कलेक्ट करवा लेता हूँ, तो इसका 10% यहाँ पे 40 million बॉन्ड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे आगे चल के 30 million बॉन्ड को और भी ज्यादा कमाना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे टायर 1 के डंजन को कम्प्लीटली 2 months के अंदर अंदर क्लियर करना पड़ेगा। एंड अगर यहाँ पर मैं 30 million बॉन्ड को कमाने के लिए एक टायर 1 के डंजन के अंदर भी एंटर करूँ, तो मुझे 2 महीने तक उसके अंदर एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर 40 million बॉन्ड को कमा पाऊंगा, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर 50 million बॉन्ड को कमा लिया। आखिरकार ये सब कितना ज्यादा क्रेजी है। और वो वुजिन को वहाँ पर बोलने लगता है कि वुजिन क्या तुम इस चीज को देख
देख रहे हो, पर वुजिन तो वहाँ पर एकदम नॉर्मल होकर उसको देख रहा था। पर अब सांगू तो वुजिन के हाथ जोड़ते हुए कहने लगता है कि भाई वुजिन तुम तो ग्रेट हो। इसको देख के वुजिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस तरह का एक्ट क्यों कर रहा है, और उसको कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से ओवर रिएक्ट करना बंद करो, अभी हमें यहाँ से इससे 7 गुना ज्यादा कमाना है, तो यहाँ पर तुम अपनी फोकस को बिल्कुल भी लूज मत करो। इसको सांगू भी वहाँ पर मान जाता है और वो वहाँ पर वुजिन के जस्ट पीछे पीछे चलने लगता है और कहने लगता है कि ये बंदा तो मेरे लिए फॉर्चून है फॉर्चून। वहीं पे हमें वुजिन को दिखाया जाता है जो कि आगे चलते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि जब से मैंने इस बंदे को अपना मैनेजर बनाया है, मुझे लगता है कि ये डिसीजन मेरे लिए काफी ज्यादा एक्सलेंट हो चुका है, क्योंकि इससे मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हुआ है। सीन को शिफ्ट करते हमें हैमर गिल्ड की बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसी ब्लड स्टोन स्टोर के मैनेजर ने कॉल किया था, और जब वहाँ पर दूसरी तरफ एक बंदा फोन उठाता है तो उस टाइम पे वो अपनी कॉफी को बना रहा था, और जब वहाँ पर उसको फोन उठाता है तो वो कहने लगता है कि आखिरकार तुमने आज मुझे यहाँ पर किससे फोन कर लिया, क्या कोई मैटर हो गया। लेकिन ये भी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, और ये बंदा यहाँ पर हैमर गिल्ड का फोर्स सपोर्ट टीम लीडर है जिसका नाम यहाँ पर जंग माचान है, एंड ये बंदा भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। अब वो बंदा जो कि ब्लड स्टोन्स को बाय कर रहा था वहाँ पर बोलने लगता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए यहाँ पे एक काफी ज्यादा अच्छी रिपोर्ट है जो कि फिलहाल अभी अर्जेंट ही मेरे पास आई है। यहाँ पर दो बंदे आए थे जिन्होंने यहाँ पर एक डंजन को 4 घंटे के लिए रिजर्व किया था, एंड वो डंजन यहाँ पर कोई नॉर्मल डंजन नहीं थी, पर ये बंदे दोनों मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस लगे एंड उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड स्टोन को भी सही किया। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा बंदा बोलने लगता है कि क्या उन लोगों के एम के अंदर से यहाँ पर कोई मारा गया इस टाइम पर। लेकिन वो बंदा कहने लगता है कि नहीं, उनमें से फिलहाल के लिए कोई भी मारा नहीं गया, क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पर इस डंजन को काफी ज्यादा आसानी से सेफली क्लियर कर लिया था। लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे अजीब तो इनके डंजन को क्लियर करने की टाइम को लगा जो कि काफी ज्यादा अबनॉर्मल था। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा लिटरली अभी भी उनके ऊपर वहाँ पर नजर रखे हुए था। वुजिन इस बार वहाँ पर 30 मिनट्स के अंदर ही वहाँ से बाहर निकल चुका था, लेकिन रियल टाइम में मतलब कि ह्यूमन वर्ल्ड में उसके अंदर बस उसे 11 मिनट ही लगे थे। इसका मतलब डंजन के अंदर जाने के बाद उसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर कुछ और ही होता है। हमें दिखाया जाता है कि जब वुजिन इस डंजन को बार बार बुक करवाता है तो दूसरी बार बुक करवाने के बाद जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो डंजन को लिटरली 9 मिनट 47 सेकंड के अंदर ही पूरी तरह से क्लियर कर लेता है। इस बात को देख के वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है जो कि वहाँ पर और सपोर्टिंग लीडर को रिपोर्ट दे रहा था। अब वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर विन हो गया, अब तुम्हें मुझे यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। इस बात को सुनकर वो सपोर्टिंग लीडर कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो बंदा वहाँ पर बताने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो कहने लगता है कि मैंने तो यहाँ पर वेट किया था कि इस डंजन को यहाँ पर कोई ना कोई कभी न कभी 10 मिनट के अंदर जरूर क्लियर कर देगा, एंड तुमने मुझे यहाँ पर इसकी बेट लगाई भी थी कि कोई इसे क्लियर कर ही नहीं सकता। एनीवे टीम लीडर, मैं यहाँ पर उस बंदे के बारे में काफी कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी रैंक के बारे में कुछ खास पता चला है। इसकी रैंक यहाँ पर F है। इसकी बात को सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब कि ये दोनों के दोनों F रैंक के थे, पर मुझे बस यहाँ पर एक बार चेक करने दो, मैं इनके बारे में यहाँ पे तुम्हें चेक करने के बाद बताता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और वो F रैंक करते हुए काफी हैरान होते हुए उनके बारे में चेक करने लगता है। वो ऊपर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपने फोन कर रखो, मैं बस थोड़ी देर में चेक करने के बाद तुम्हें यहाँ पर वापस से कॉल करूंगा। और वो वहाँ पर वापस से चेक करने लगता है तो उसको कहने लगता है कि टीम लीडर, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो कहने लगता है कि व्हाट द हेल, आखिरकार यहाँ पर ये कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अवेकनिंग इन्फॉर्मेशन को निकाल रहा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर वुजिन ने तो अपने आप को जस्ट एक दिन पहले ही अवेकन किया था, एंड सांगू ने यहाँ पर अपने आप को जस्ट 2 महीने पहले ही अवेकन किया था और अपने आप को रजिस्टर करवाया था। जिसको देख के वो वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सा रिएक्ट करता है और कहने लगता है कि इन दोनों बंदों ने यहाँ पर इस डंजन को जो कि 3 टारगेट डंजन थी उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैसे क्लियर कर दिया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी इस डंजन को 10 मिनट से ज्यादा कम समय में कैसे क्लियर कर सकता है, आखिरकार ये एप्रेंट हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि इनकी रैंक इवोल्यूशन यहाँ पर हो चुकी है एंड ये अभी यहाँ पर और भी ज्यादा अपग्रेड हो चुके होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको अपने आप को वापस से रजिस्टर करवाना चाहिए। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए इनकी यहाँ पर रैंक सी के ऊपर अपग्रेड हो चुकी होगी एटलीस्ट टाइम के ऊपर। और वो अवेकनिंग सेंटर के अंदर उनकी बात करता है, जहाँ पर उसे बात पता चलता है कि ये बंदा एक तरह का नेक्रोमेंसर है एंड ये अभी फिलहाल के लिए रैंक सी की मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज का यहाँ पर यूज कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के पास यहाँ पर कुछ ऐसी अब नॉर्मल एबिलिटीज हैं जो कि यहाँ पर हाई चांस पे ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड मुझे लगता है कि ये दोनों आगे चल के यहाँ पर काफी ज्यादा हाई रैंकिंग अवेकनर्स बन सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर इन दोनों को अपने अंडर में लेना ही पड़ेगा। और वो ऐसे ही कहते वहाँ पर तैयार होते हुए अब उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कोई भी जब इन दोनों के बारे में पता करेगा तो वो लिटरली इन दोनों को अपने पास में मिलाने की पूरी पूरी कोशिश करने वाला है। और वैसे ही कहते वहाँ पर आगे बढ़ जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर इन दोनों को अपने पास लाने के लिए किसी भी तरीके से ट्राई करना ही होगा, एंड मैं अगर यहाँ पर देर करता हूँ तो कोई भी इसे यहाँ पर अपनी तरफ ले सकता है।
हमें आबरिंग गिल्ड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों की इन्फॉर्मेशन उनके लीडर को मिल चुकी थी और वो भी उन्हें वहाँ पर स्क्रीन में देख रहे थे और उसको देखकर कहने लगते हैं कि ये दोनों बंदे ही वो है जो कि अभी हाल फिलहाल सारी के सारी डेंजन को काफी कम टाइम के अंदर क्लियर करे जा रहे हैं। वहीं पे उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि हाँ, मुझे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में काफी अच्छे से मालूम है क्योंकि मुझे ये काफी जल्दी मिल चुकी थी। मुझे यहाँ पर सिविल सर्वेंट ने इन दोनों के बारे में बताया था जो कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है एंड ये दोनों बंदे यहाँ पर काफी ज्यादा खास है। हमें एक बंदे को वहाँ पर बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि लिटरली आबरिंग गिल्ड का लीडर होता है एंड उसका असिस्टेंट वहाँ पर उसको बोलने लगता है कि इसमें पहले वाला बंदा जो है इसका नाम यहाँ पर होंग सांगू है। फिलहाल के लिए इसकी एज यहाँ पर 21 है एंड ये यहाँ पर एक ऑर्डिनरी एफ रैंक का फ्लेम मैजिशियन है। एंड सेकेंड वाला जो ये बंदा इसका नाम यहाँ पर कांगू जिन है एंड इसको देख के लगता है कि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को रखता है एंड ये अपने ग्रुप का यहाँ पर लीडर भी हो सकता है। इसको वो दोनों वहाँ पर स्क्रीन के अंदर देख रहे थे पर वो लीडर वहाँ पर उसको देखकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये एफ रैंक का नेक्रोमेंसर है लेकिन मैं इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि ये किस अनबिलीवेबल क्लियरिंग स्पीड से डंजन को क्लियर करता है। वहीं पे अब आबरिंग गिल्ड का लीडर लियोना के सामने कहने लगता है कि क्या तुम इसे देखकर पहचान सकती हो टीम लीडर लियोना, आखिरकार ये बंदा कौन है। जब लियोना उस बंदे को वहाँ पर देखती है तो उसे याद आता है कि वो एक बंदा है जिसको उसने वहाँ पर बुरी तरीके से सड़क के ऊपर घेर के पीट दिया था और वो कहने लगती है कि मुझे याद है कि नॉर्मन एफ रैंक का बंदा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था लेकिन फिलहाल के लिए इसके पास यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो कि यहाँ पर इसको इतना पावरफुल बना रही है। लियोना वहाँ पर साफ साफ कह देती है कि मुझे शुरुआत से इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कम से कम यहाँ पर ऑलमोस्ट सी रैंक का अवेकनर तो हो गई होगा। अब वो आबरिंग गिल्ड का मेन लीडर वहाँ पर बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों ही यहाँ पर रैंक सी के अवेकनर होंगे। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए इन दोनों बंदों ने यहाँ पर अपने पावर का यूज करते हुए अपनी रैंक को यहाँ पर इवॉल्व कर लिया होगा पूरी तरह से एंड मुझे लगता है कि आगे जाकर भी काफी ज्यादा अच्छे एस्टॉनिशिंग रेट के ऊपर अपने आप को और भी ज्यादा ग्रो करने वाले। इसकी बात को सुनकर लियोना वहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे तो बस यहाँ पर एक नॉर्मल केस लग रहा है जिसके अंदर एक अवेकन बंदा बस अपनी ग्रोथ स्पीड के दम पे काफी फास्टली डंजन को क्लियर कर रहा है लेकिन अगर ये बंदा यहाँ पर एक लो रैंक का अवेकनर है तो ये बंदा बेसिकली ओवरनाइट यहाँ पे 2 या 3 रैंक के ऊपर कैसे अप कर सकता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पे उसका लीडर बोलने लगता है कि मेरे पास पास्ट टाइम का एक ऐसा ही सिमिलर केस आया था जिसके अंदर एक बंदे ने अपने आप को काफी जल्दी ग्रोअप कर लिया था एंड वो बंदे ने अपने आप को लिटरली एफ रैंक से ए रैंक के ऊपर अपने आप को अवेकन कर लिया था और वो पर्सन और उसकी ग्रोथ एनवायरनमेंट इतनी ज्यादा थी कि कम्प्लीटली उसने यहाँ पर पूरी की पूरी कोरिया की रैंक 1 को काफी आसानी से हासिल कर लिया था। एंड वो बंदा यहाँ पर किम कांग चोल है जो कि फिलहाल के लिए अभी पूरी की पूरी साउथ कोरिया का नंबर 1 ए रैंक का अवेकनर कहलाता है। वहीं पे हमें लियोना को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि अनबिलीवेबल, तुम इसे यहाँ पर उसके साथ में तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, ये किम कांग चोल के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे लीडर उसको देखकर कहने लगता है कि वेल कौन जानता है कि आखिरकार क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मुझे यहाँ पर एक बार तो उसको चेक करना ही चाहिए और उसको कहने लगता है कि इस बंदे को यहाँ पर ट्रैक करो, मैं इस बंदे को सामने से मिलके इसके साथ में बात करना चाहता हूँ, आखिरकार देखते हैं क्या होता है। एंड हमें यहाँ पर 1 of the 3 गिल्ड्स के बारे में पता चलता है जो कि यहाँ पर पूरी की पूरी साउथ कोरिया के अंदर काम करती है जिसमें फिलहाल के लिए अभी हैमरिंग गिल्ड और आवरिंग गिल्ड दोनों ही फिलहाल के लिए हमारे वुजिन के पीछे पड़ चुकी थी। तो गाइस आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा एंड इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा देना ऑल के बटन पे, इसके बाद आपको यहाँ पर इसके अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। जब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।